वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा गाइस, हम एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे माइक्रोटेक के, जो ISP के मुतालिक। तो गाइस, आज हम आपको ये बताना चाहेंगे, अब्रॉड में दरअसल कुछ ऐसा होता है कि लोगों ने जो कुछ छोटे ISP बनाए होते हैं, जो नेटवर्क बनाए होते हैं, तो उसमें टू टाइप्स के आपके पास ISP होते हैं। एक तो PPP हुई, मैं कंपनीज के नेम नहीं बता रहा, जिस तरीके से आपको नेट प्रोवाइड, जो सर्विस आपको ISP वाले प्रोवाइड करने उसके मुतालिक बता रहा हूँ। एक होता है PPP कनेक्शन, दूसरा होता है डायनामिक। PPP में ये होता है कि आपको आपका ISP वाले एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड दे देते हैं, जो आपको अपने माइक्रोटेक में डायल आउट करना होता है। और डायनामिक में ये होता है कि जो आपको राउटर प्रोवाइड करते हैं, आप उस लोकल एरिया नेटवर्क से लेकर एक बार अपने माइक्रोटेक में किसी भी पोर्ट में डायल आउट कर देते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम PPP के मुतालिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम PPP में जाएंगे, इंटरफेस में जाएंगे, आपने प्लस पे क्लिक करना है। ठीक है, नीचे में सबसे लास्ट में PPP क्लाइंट है, उस पे क्लिक करना है आपने। अभी मैं आपके सामने एक एज ए प्रैक्टिकल नया कनेक्शन डायल कर रहा हूँ। ठीक है, आपका जो नेम है PPP का नेम कुछ भी रख लें, जो डिफ़ॉल्ट नेम है वो PPP out 1 आता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल इंटरनेट रख लेते हैं। तो डायल आउट में जाते हैं, सॉरी इंटरफेस में आपने पोर्ट सेलेक्ट करनी है। तो पोर्ट नंबर 1 पे ऑलरेडी मेरे पास एक PPP कनेक्शन डायल आउट है, तो हम कोई भी पोर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, SFP पोर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, डायल आउट में जाते हैं, यूज़र नेम हमें क्या मिला हुआ है, लेट्स सपोज अजय 123 यूज़र नेम है, पासवर्ड XYZ 123। ओके, हमारे पास प्रोफाइल डिफ़ॉल्ट, ओके, जो हमारे पास इधर डिमांड ऑन डायलॉग है इसको क्लिक कर देना है। ओके, सेलेक्ट कर लेना है, नीचे अलाउ में लास्ट में जाकर आपने जो सर्विस चूज़ की है वो PPP है आपके पास से, जो थ्रू ISP जिस तरीके से आप नेट दे रहे हैं, जिस जो सर्विस प्रोवाइड करो PPP है। ओके, जिसमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड होता है, ये PPP सेलेक्ट करके ओके करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, देखें आपके पास एक लिंक आ गया ऊपर, ऑल इंटरनेट के नाम से आपने एक कनेक्शन डायल किया। एक्चुअली ये कनेक्शन मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। सही हो गया, इसके लिए फिर एक छोटा सा रूल अप्लाई करेंगे, IP में जाके, फायरवॉल में जाके, नेट में जाके। ठीक है, रूल क्या है, प्लस पे क्लिक करेंगे, चेन इज इक्वल टू स्कोर नेट, आउट इंटरफेस आपने जो नाम रखा अपना ISP का PPP में, तो वो हमने रखा था ऑल इंटरनेट, सॉरी किधर गया जी, ऑल इंटरनेट। ओके कर देंगे, एक्शन में जाके उसको मस्कुरेट करवा देंगे। ओके, ये आपका डायल हो गया। एक्चुअली कनेक्शन हमारे पास है नहीं, ठीक है, जब हमने डायल आउट किया तो ये मतलब एरर नहीं दे रहा। अगर ये हमारे पास कनेक्शन, मतलब अगर आप किसी पोर्ट में इसको डायल करते तो ये चेन इज इक्वल टू स्कोर नेट ये लिखा हुआ जिधर, तो रेड कलर का PPP इज़ नॉट रेडी। ओके, ऐसा कुछ आ जाता तो इतना काम हम करते जिससे हमारा नेट चल जाता। अगर आपको इसी सूरत में, अगर आपको आपने जिस ISP से नेट लिया हुआ है तो आपका PPP कनेक्शन है, अगर उस सूरत में आपका नेट डायनामिक में कन्वर्ट हो जाता है, बाद का कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम होता है, तो उस सूरत में क्या करेंगे आप IP में जाएंगे, फायरवॉल में जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक PPP कनेक्शन डायल होगा, तो इसको आप डिलीट कर देंगे या डिसेबल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने PPP यूज़ करना है, इसको मैं डिसेबल ही करता हूँ। बैक में जाके जो आपका PPP कनेक्शन है इंटरफेस, इसको भी डिसेबल कर दें या डिलीट कर दें, क्योंकि मैंने यूज़ करने में इसको डिसेबल कर रहा हूँ। सही है, बैक में जाके IP में जाके, DHCP क्लाइंट में जाके, जब आप अपने लोकल एरिया नेटवर्क से डायनामिक मोड पे नेट लेते हैं, DHCP क्लाइंट में जाने, प्लस पे क्लिक करना है, इंटरफेस पोर्ट नंबर 1 लेट्स सपोज, ओके,
हम पोर्ट नंबर वन नहीं करते, कोई और कर लेते हैं क्योंकि उस पर ऑलरेडी नेट चल रहा है ट्रिपल पी हुई, ताकि यूज़र डिस्टर्ब ना हो, SFP पोर्ट कर देते हैं। आपकी जो पोर्ट होगी आपने वही सिलेक्ट करना है जिससे इंटरनेट ले रहे हैं, मतलब इन हो रहा है आपका, ठीक है। इसको यस कर देंगे। देखिए SFP ये ऊपर रेड कलर का आ गया, जैसे आप इसमें वायर लगाएंगे ये रेड कलर ख़त्म हो जाएगा, ये ओके हो जाएगा, ठीक है, और आपका नेट चल जाएगा। ये तो एक ये तरीका हो गया। अच्छा गाइस, ये मेरी एक वीडियो थी, इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे, कोई ऐसी वैसी बातें नहीं करेंगे। ओके गाइस, मैं ज़्यादा चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।